आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ CNE एग्जीबिशन टोरंटो। CNE की फुल फॉर्म कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन है। इसकी इब्तदा 1879 से हुई, जिसका पर्पस था टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज द लार्जेस्ट कार्निवल फेस्टिवल इन कैनेडा एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। इसका इनेकाद हर साल होता है और इसमें 1.5 मिलियन लोग विजिट करते हैं। इसमें एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अपनी कामयाबी से आगाह करते हैं। इस साल क्या पैदावार रही, क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और क्या नई इन्वेंशंस की गई, इसको शोकेस किया जाता है। इस साल 2023 में इसकी ओपनिंग डेट्स 18 अगस्त से 4 सितंबर रहेंगी। बाई चांस में कैनेडा में मौजूद था और मैंने इसका एड सब स्टेशन पर देखा। स्पेशली चेयर लिफ्ट का तो मुझे बहुत पसंद आया। इसकी चेयर लिफ्ट की पिक्चर देखी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने कहा इस पर विज़िट करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ डिफरेंट तरह की गेमिंग फैसिलिटी है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के गेमिंग है, कहीं लोग बैट लगा रहे हैं, कहीं शर्तें लग रही हैं, कोई विनिंग गेम्स हैं, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर गेम लॉटरी वाली, जैसे पाकिस्तान में बच्चे लॉटरी खेलते हैं, यहाँ पे भी ऐसी ही है। कॉइन्स रखे हैं और आप ये देखेंगे रिंग फेंक रहे हैं, अगर वो रिंग बोतल पे आ गए तो बोतल इसको मिल जाएगी। इस तरह की काफ़ी गेम है यहाँ पे। ये देखें जिसने गोल करना है, अगर ये गोल कर लिया तो ये जीत जाएगा। खाने पीने की भी बहुत वैरायटी है, काफ़ी फूड एरिया बना हुआ है जगह जगह पे, लेकिन हमें थोड़ा तो याद करनी पड़ती है। मोस्टली फूड हिलाल नहीं होता, हिलाल वाले शॉप सेपरेटली हैं। मोस्टली अरेबिक या तुर्किश रेस्टोरेंट से आपको मिल जाता है हिलाल फूड का एंड शॉर्मा का। ये देखें चेयर लिफ्ट, जिसके चक्कर में मैं आया हूँ। तरह तरह के झूले हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा पर्पस था यहाँ पे आने का। बहुत ही खूबसूरत व्यू है चेयर लिफ्ट का, लेकिन रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तकरीबन 200 बंदा लाइन में है। अभी मैं वहीं पे जाऊँगा, अभी देखते हैं कि रोशनी बाकी रहती है जब तक मेरी बारी आती है। वहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे, चेयर लिफ्ट लेते हैं अभी जाके। इस वक्त मैं लाइन में लगा हूँ, ये मेरी पिछली साइड पर लाइन है और आगे भी इतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है। एनीवे चेयर लिफ्ट लेनी है हमने, जान तो नहीं छोड़ेंगे ऐसे। खूबसूरत व्हील का व्यू। ये जो चेयर लिफ्ट हैं और जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ ईयरली बेसिस लगती हैं, यानी कि अगले साल लगेगी दोबारा। और ये चेयर लिफ्ट तकरीबन कोई 1 किलोमीटर होगी, एक साइड से बैठती हैं, दूसरी साइड से जाकर उतर जाती हैं। फिर भी बहुत लंबी लाइन है, बहुत अच्छा व्यू होता है इसके ऊपर जाके। अभी मैं भी ऊपर जाकर आपको वीडियो बना के शो करता हूँ। इसमें एग्जीबिशन में एंट्री की फीस $25 है, अगर ऑनलाइन परचेस करते हैं तो शायद $2-3 सस्ती मिलती है। और इस चेयर लिफ्ट में जाने के लिए 6 टिकटें लगती हैं मेरे ख्याल से $12 के करीब। यहाँ पर डिफरेंट कैनेडियन कंपनीज भी अपने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। मैंने बम्बार्डियर का विज़िट किया है, जिन्होंने बताया कि अगर इनको यहाँ पे एयरफोर्स का प्रोजेक्ट मिलता है, जो फाइटर प्लेन बनाते हैं, दूसरे प्लेन भी बनाते हैं, तो कम अज़ कम भी 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी कैनेडियन नेशनल्स के लिए। मेरे चेयर लिफ्ट की बारी आ चुकी है, लेट्स गेट रेडी। Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Talha from Talha Vlog, live from Toronto. CNE exhibition, full of fun, बहुत enjoy कर रहे हैं। ये देखो सारी rides हो रही हैं यहाँ पे। चेयर लिफ्ट इतना rush था, तकरीबन 1 घंटा लग गया और अंधेरा हो गया, इसलिए यहाँ थोड़ी लाइट की कमी है, फिर भी लाइट होती है। देखें सारी राइड्स हैं, गुड फॉर टूरिस्ट, बहुत इंजॉय हो रहा है, ठंडा मौसम है। और आज मेरा बस भी यहाँ पे सेकेंड स्टे है, कल वापसी इन शाला चेक करें। ऑल राइट,
अब आपका मैं व्यू कराता हूँ, मेरी वीडियो देख ली आपने बहुत, अभी आपका मैं व्यू कराता हूँ, ठीक है? Stay tuned. वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. ओके. बड़ी बड़ी यहाँ पे एंजॉय करने आई है. मेरी GLF की राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. अब मैं आपको लेके चलता हूँ. ये देखें, आपने वाटर स्लाइड तो देखी होगी. ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड जो मैंने पहली दफ़ा देखी है, जो काइंड ऑफ रेक्सिन मैट का लें या प्लास्टिक का मैट बिछा के जो लोग स्लाइड लेती हैं, लोग तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ. इसका नाम है यूरो स्लाइड. अब मेरी वापसी की तैयारी, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, मैं थक चुका हूँ.
अब मैं वापस जाने लगा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा ताकि मैं आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के अपलोड करूँ। अभी हम रास्ते में